जी स्टूडेंट्स, जब हम सेल्स की टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो बुनियादी तौर पे दीज सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू बेसिक टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव वन, दैट इज प्रोकैरियोटिक, एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक. ऑलराइट, पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और फिर इसकी फर्दर जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं. सो द वर्ड प्रोकैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रो. प्रो का मतलब पुराना, ओल्ड, इसको हम एंशियंट भी कह सकते हैं, कदीम. और कदीम के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, प्रिमिटिव. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर साथ ही साथ जो टेक्निकल चीज है जिसकी बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, दैट इज द कैरियो पार्ट. ओके, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें मतलब इसका हमारे सामने आ गया, दोज सेल्स व्हिच डू नॉट पोजेस एडवांस्ड और अ डेफिनेट और अ ट्रू न्यूक्लियस, they contain a primitive or the ancient or the old type of nucleus. Okay, ye kya hai old type of nucleus, jiske paas koi bhi nuclear envelope maujood nahi hota, usko hum kehte hain ki ye primitive nucleus ki type hai. All right, phir agar iski further distribution dekhi jaye, the prokaryotic cells, they have been differentiated into two major groups. Okay, jo purane wala group hai unko hum kehte hain they are archaeobacteria. आर्कियोलॉजी से, पुरानी चीजों की स्टडी की बात हो रही है. कहा जाता है कि आर्कियोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट एवर सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. ओके, जमीन के ऊपर जो सबसे पहले जानदार किसी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर फॉर्म में नजर आए हैं, दे वर द आर्कियोबैक्टीरिया. ओके, फिर जो सेकेंड टाइप है दैट इज यूबैक्टीरिया, यू ट्रू बैक्टीरिया. Alright students, eubacteria are further differentiated into two groups, जिनमें से एक को हम generally खाली bacteria बोलते हैं और दूसरे वाले cyanobacteria कहलाते हैं. और cyanobacteria का कोई और नाम इनके photosynthetic ability की वजह से, they are differentiated as blue, ग्रीन एल्जी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की टाइप और फिर उसकी फर्दर जो डिविजन्स की गई हैं. उसका जो दूसरा ग्रुप है देयर इज द मोर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, दे आर नोन एज यूकैरियोट्स, और इनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. इसका क्या मतलब है यू, अभी मैंने बताया आपको यू मींस थ्रू. यहां पे थ्रू से क्या मुराद है, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, दोज टाइप्स ऑफ द सेल्स व्हिच हैव अ डेफिनेट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स, एंड दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, दूसरा पार्ट कैरियन, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. What type of living organisms can be included in the eukaryotes? Eukaryotes ke andar jo groups shamil kiye gaye hain, number one, that is plants, number two, they are animals, number three, that is the fungi, and number four, they are protista or protoctista. Okay students, the ye groups of living organisms, they all have a well defined true nucleus in their cytoplasms. Okay,
तो अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि जब हम इसको कंपेयर करें कि हाउ वी डिफरेंशिएट द यूकेरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकेरियोटिक सेल, तो आपने दो बातें अपने जहन में रखनी है. नंबर वन इज द सिमिलैरिटीज एंड नंबर टू आर द डिफरेंसेस. ओके, क्योंकि जब हम कंपेरिजन देखते हैं तो उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज दोनों चीजों का पता होना चाहिए. अगर खाली डिफरेंशिएट के लिहाज से सवाल आए तो फिर आप सिर्फ उन दोनों के फर्क एक्सप्लेन करेंगे. इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो भी नोट करते जाएं और साथ ही साथ मैं आपको इसके जो डिफरेंसेस हैं वो एक विजुअल फॉर्म में भी दिखा दूं. तो लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले नंबर पे ये बात मैं बताता हूं कि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपने सेपरेट कॉलम्स के अंदर ये पॉइंट्स लिखना है. ओके, अब सेपरेट कॉलम्स में पॉइंट्स लिखना है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो जो कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारा आपने इसमें इंक्लूड करना है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फोर मेजर पॉइंट्स जो कि टेक्निकली स्ट्रांग हो आप वो मेंशन करेंगे तो इट विल बी अ गुड शॉर्ट आंसर. ऑलराइट, तो अब देखते हैं. नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर मेंशन करना है दैट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ द सेल्स. ओके, those living organisms which have a true nucleus they are known as eukaryotes and the cell is the eukaryotic cell. jab dusri taraf hum dekhte hain those types of cells which do not have a definite nucleus they are known as prokaryotic cells and the living organisms are known as prokaryotes. okay, jo jandar hain unko prokaryote kahenge aur jo cell hai wo prokaryotic cell kehlayega. समझ आ गई है यहां तक? ओके, नेक्स्ट नंबर टू, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इन सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिहाज से एंड दैट इज द न्यूक्लियस. द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव देयर डीएनए एनक्लोज्ड इन एन एनवेलप. इनका डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर छुपा के या प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया, बल्कि वो कैसे मौजूद है? इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म के अंदर बस वैसे ही लटका दिया गया है और उसके इर्द गिर्द एक डेंस सा रीजन बना दिया गया है. दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसको? न्यूक्लियोइड इज द अल्टरनेटिव फॉर द न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, इसके और भी नाम है जैसे कि क्रोमेटिन बॉडी इसको कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं और इसको न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं. ओके, दूसरी तरफ यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? The eukaryotic cells, they have a definite nucleus with all of its components protected or enclosed within the nuclear envelope. उसके पास उसका जो medium है nucleoplasm मौजूद है और फिर उसके अंदर उसका genetic material in the form of chromatin or chromosomes मौजूद हो सकता है. Nucleolus, एक और dense organelle that is also present inside that definite nucleus of the eukaryotes. Okay students, then नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे ऐड कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से. इट इज अबाउट द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. ओके, द यूकेरियोटिक सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एडवांस्ड. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनल्स दैट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. ओके, and etc. बाकी vacuoles वगैरह add कर सकते हैं इसमें हम. While on the other hand, in the prokaryotes, जो bacteria है, उसमें कभी भी हम chloroplast को नहीं observe कर सकते, उसके अंदर कभी भी हम mitochondria को नहीं देख सकते, उसके अंदर कभी भी हमें endoplasmic reticulum या Golgi bodies नजर नहीं आएंगे, जबकि वहां पे कुछ और membranous foldings हैं, जो इन्हीं के functions एक different way में prokaryotic cells के अंदर perform कर रहे हैं. Okay? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें जो कि यहां पे मैं शो कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स. ओके, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S राइबोसोम्स. ओके, अगर इनको हम डिफरेंशिएट करें सब यूनिट्स में तो दे कंटेन द स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30S एंड द लार्जर सब यूनिट दैट इज 50S, बट एज अ होल इट इज 80 स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम. ओके, on the other side jo hamare paas eukaryotic ribosomes hain they are 80s ribosomes, unke andar smaller subunit 40s hai aur larger subunit 60s swedberg ke liye. Then is an important point about the division of the cells. Okay,
जब भी कोई यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होगा, स्पेशली अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं एनिमल सेल की, तो उसके लिए एक पूरी तैयारी की जाती है, सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोटिक अपरेटस तैयार करना, स्पिंडल फाइबर्स बनाना, और फिर इसी तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी मेटाबॉलिक चेंजेस। फिर उसके बाद सेल एक प्रॉपर वे में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि द सोमेटिक सेल्स फॉर देयर ग्रोथ दे डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल दो में तकसीम होगा, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। ओके, ऑन द अदर साइड ऐसा भी हो सकता है कि जब एक सोमेटिक सेल फर्दर जर्म सेल्स या गेमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स पैदा करे, तो उस सूरत में क्या होगा, वन सेल विल प्रोड्यूस फोर सेल्स। ओके, जो पेरेंट सेल है जिससे सेल्स पैदा हो रहे हैं, दैट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, और जो नए पैदा होने वाले सेल्स हैं, दे आर हैप्लॉयड, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट मियोसिस। इस सेल डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस यूकैरियोटिक सेल्स में नजर आती हैं, बट इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अ सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट इज नोन एज बाइनरी फिशन। वन बैक्टीरियम फॉर एग्जाम्पल, इट स्प्लिट्स अप इनटू टू विद इक्वल साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स एंड रेप्लिकेटेड जेनेटिक मटीरियल। दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन, एक से दो में तकसीम हो जाना। देन स्टूडेंट्स, फिर हमारा एक अहम पॉइंट आ रहा है, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल, नंबर वन प्लांट्स, प्लांट्स की सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल, और इस सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोसेस और पेक्टिन्स मौजूद हो सकते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, दैट इज प्लांट सेल इन रिलेशन टू द सेल वॉल। ओके, फिर अगर यूकैरियोट्स में से एक और एग्जांपल लें, तो दैट इज फंगस। फंजाई के जो सेल्स होते हैं, उनकी सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोट्स। केमिकली इसकी जो कंपोजिशन है, ये किस किस चीज पे मुश्तमिल है? पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑल्सो नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। स्ट्रक्चरली इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, दैट इज नोन एज सेक्युलस। ओके, कुछ साइंटिस्ट इवन के ये भी कहते हैं कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, इट इज एक्चुअली एन एक्सोस्केलेटन व्हिच इज नेम्ड एज सेक्युलस। उसको बोलते हैं सेक्युलस। पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन जो है, उस पर इसकी सेल वॉल मुश्तमिल हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से प्रोकैरियोट्स आर सिंपल, लेस डेवलप्ड एंड मोस्टली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये मल्टी सेलुलर या ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। व्हाइल ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोट्स, वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड and most complex living species, okay? किस लिहाज से? ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम बात करें कि हमारे अंदर hundreds of trillions of cells मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब cells division of labor के through और coordination के through किसी भी basic aim को आराम से हासिल कर सकते हैं, कि आप कोई भी चीज जो सोचते हैं वो चुटकी बजाते हुए किसी भी physical activity में convert कर सकते हैं। So this is only found in the eukaryotic living organisms. Alright students, size ke lihaz se, the prokaryotic cells, they are smaller than the eukaryotic cells. Hamare cells, for example, animal cells hain ya plant cells hain, size ke lihaz se bacteria se kafi bade ho sakte hain. Examples inki agar aap include karein, to in the eukaryotes we can add the animal cells, plant cells, the fungal cells and protists like amoeba and paramecium. Okay, while on the other side in the prokaryotic cells we can include bacteria and cyanobacteria, also known as blue green algae. All right students, to ye yahan pe hamare kuch basic points jo hain wo complete ho rahe hain. Phir inshallah taala next session mein kisi aur topic ke sath mulaqat hogi.